हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13th ऑफ अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो भी कल की यानी कि 12th ऑफ अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका हम एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट has signed an MOU with which of the following institutions and Tata Projects Limited to construct a smog tower in Connaught Place। ये बात ये कही जा रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है किस इंस्टीट्यूशन के साथ और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ, जिससे कि स्मॉग टावर सेटअप किया जा सके कैनॉट प्लेस पे। बेसिकली ये इसलिए सेटअप किया जा रहा है जिससे कि एयर को प्योरीफाई करे। तो बात अब ये बात कही जा रही है कि इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने टाटा प्रोजेक्ट के साथ तो MOU साइन किया, और इसके साथ साथ किस इंस्टीट्यूशन के साथ MOU साइन किया, तो इन्होंने IIT बॉम्बे के साथ भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। अच्छा, अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया था। किस लिए? जिससे कि लोग सेंटर ऑफ एग्रीमेंट सेटअप कर सके एडवांस्ड मैनेजमेंट ऑन हाईवेज पे। जो ये IIT दिल्ली में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की बात कही थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। IIT रुड़की ने यूनिसेवियर बॉक्स इसको जो है डेवलप किया था। इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स इन अ टोल ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ दिस कंट्री। बेसिकली 2 आइलैंड नेशन है इस कंट्री का, और इसके लिए इंडियन और इस कंट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5 इको टूरिज्म जोन्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे। तो इसके लिए इंडियन और मालदीव्स ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी। इंडिया और मालदीव ने ये MOU साइन किया था। अच्छा, अभी हाल ही में इंडिया ने एक 4-स्टोरी बिल्डिंग सेटअप करने के लिए, स्कूल बिल्डिंग सेटअप करने के लिए नेपाल को 1.94 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अ नवरत्न PSU एंड इंडिया लीडिंग NBFC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज साइंड MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थ नगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बात ये कही जा रही है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने PFC ने क्या किया है, इसने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थ नगर के साथ, और जिससे कि ये लोग क्या कर सकें, 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स जो है यहाँ पे ये लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। बात ये कही जा रही है कि जो सिद्धार्थ नगर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थ नगर, ये किस स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाल रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका जो है हाल ही में निधन हो गया, और इनकी जगह ये कार्यभार संभाल रही हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप पॉलिसी हाल ही में 2020 लॉन्च की थी, और मध्य प्रदेश की बात करें तो रोको टोको कैंपेन, किल कोरोना कैंपेन, ये मध्य प्रदेश की कुछ लेटेस्ट कैंपेन्स हैं। इन्होंने बात कही थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको 5,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। बिहार की खाड़ी मॉल है उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया था। Which of the following ministers have addressed the India at 75 Summit Mission 2022 in New Delhi via video conferencing? The event was organized by the Confederation of Indian Industries. किस मिनिस्टर ने जो है एड्रेस किया था इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और ये जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने, और इसको जो है एड्रेस किया था नितिन गडकरी ने, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री संभाला, और MSME मिनिस्टर भी यही है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। प्रकाश जावड़ेकर ये कौन है? ये एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात है, और इन्होंने अभी गुजरात में जो है पॉटर व्हील्स, 100 पॉटर व्हील्स, इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट भी करे थे गुजरात में। और थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं।
Which of the following ministers has launched the data recovery center of the Indian Council of Agricultural Research ICIR named Krishi Mehk. तो कृषि मेघ इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, तो इसका एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर. पीयूष गोयल कौन है, ये हैं कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और रेलवे मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं. राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से. G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में भी ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं हाल ही में. राहत इंदौरी पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज. राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया. और ये क्या थे, ये लिरिसिस्ट थे और उर्दू पोएट थे. यानी कि क्या थे, एक तो ये उर्दू पोएट थे और एक थे लिरिसिस्ट भी थे. अच्छा, विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वो सोशल एक्टिविस्ट थी और एक कह सकते हैं चिरंजीवी शारजा, हाँ यही नाम था इनका. और ये कन्नड़ एक्टर थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया. Which day each year is celebrated as the International Youth Day, theme 2020 Youth Engagement for Global Action. किस दिन हम लोग International Youth Day मनाते हैं, उस दिन की जो थीम थी इम्पॉर्टेंट है, थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन. तो हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं अगस्त 12 को. और अगर हम लोग यही बात करें नेशनल यूथ डे, तो नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं जनवरी 12 को. मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हैज बीन लॉन्च्ड अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. कौन से स्टेट ने ये लॉन्च किया है स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना. तो ये लॉन्च की है गुजरात ने. किसने लॉन्च किया, गुजरात ने. और गुजरात में अभी भारत का पहला हनी टेस्टिंग लैब भी जो है खुला था, जो कि गुजरात के आनंद में इसका ये खोला गया था. और ये हनी टेस्टिंग लैब है भारत का पहला. राजस्थान की बात करें, इंदिरा रसोई योजना एक ये लेटेस्ट स्कीम है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम डेडिकेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया टू द फ्रीडम स्ट्रगल. भारत के आज़ादी की जो लड़ाई है, इसमें जो है जितने जो भी ट्राइबल पीपल थे, जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम जो है इसको डेडिकेट करने की बात कही है इन्हीं लोगों को. तो और पूछा जा रहा है कि ट्राइबल मिनिस्टर कौन है. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, ट्राइबल मिनिस्टर नहीं. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन, तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा और खुंटी झारखंड इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है. मुख्तार अब्बास नकवी ये जो है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं. रविशंकर प्रसाद ये क्या है, ये आपके हैं रविशंकर प्रसाद हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं. और जो है इन्होंने अभी हाल ही में एक योटा NM1 सेंटर इसका इनॉग्रेशन किया था महाराष्ट्र में. और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये लार्जेस्ट डेटा सेंटर था और इसका इनॉग्रेशन किया था इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में. पटना साहिब बिहार है रविशंकर प्रसाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी. Which of the following countries has took a decision to construct a monument for Indian soldiers? Basically 1971 war के लिए ये basically किया गया है जो इंडिया ने बांग्लादेश के लिए लड़ा था. और इसके लिए जो है किस कंट्री ने डिसाइड किया है कि ये लोग एक मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडियन सोल्जर्स के लिए, तो वो कंट्री है हाँ बांग्लादेश की. वो कंट्री है बांग्लादेश. कंट्री कौन सी है, बांग्लादेश. अच्छा, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए थे अफगानिस्तान के साथ. बेसिकली 4 अफगान प्रोविंसेस में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया ने 5 एग्रीमेंट साइन किए थे अफगानिस्तान के साथ. और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है और किसको, तुर्कमेनिस्तान को. The European Union has announced how much amount humanitarian aid to support those affected by severe flooding in South Asia, most probably India and Bangladesh and Nepal. Basically, European Union ने क्या किया है कि ये कुछ financial assistance देंगे as a humanitarian aid, जिससे कि वो area जो severe flood से बाढ़ से affected है उनके लिए. basically South Asia की कौन कौन सी countries के लिए ये इन्होंने देने की बात कही, financial assistance देने की बात कही, India, Bangladesh और Nepal के लिए. तो euro 1.65 मिलियन का इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की यूरोपियन यूनियन ने.
Who among the following ministers unveiled an e-version of the book Connecting, Communicating, Changing? इस बुक का ई वर्जन किसने जो है हाल ही में अनवील किया है, तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर. प्रकाश जावड़ेकर रमेश पोखरियाल निशंक एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड. स्मृति ईरानी की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया था, एक ऐप और बैकेंड कह सकते हैं वेब पोर्टल लॉन्च किया था हैंडलूम्स के लिए, और ये स्मृति ईरानी ने बिल्कुल लेटेस्ट में लॉन्च किया था. ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाल रही, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है अमेठी उत्तर प्रदेश. Who among the following has won his sixth consecutive presidential term of Belarus? Belarus के प्रेसिडेंट के रूप में sixth consecutively sixth term के लिए कौन election, किसने election जीता है, तो ये हैं Alexander Lukashenko. और ये क्या हो गए हैं प्रेसिडेंट, ही इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस फॉर द सिक्स्थ टर्म, छठे टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस. अच्छा, हसन दियाब की बात करें तो अभी जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोग जानते हैं कि बैरूत में काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, तो लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, उसके चलते काफ़ी मिनिस्टर्स ने जो है क्या किया था, स्टेप डाउन किया था. और हसन दियाब ये कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं लेबनन के और इन्होंने अभी हाल ही में स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से. प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैं ये लेबनन के और इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है. वॉल्टर रोजर मार्टोस रूइस ये कौन है, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू. पेरू के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया है वॉल्टर रोजर मार्टोस रूइस. वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है अगस्त 12 को. पेनमत्सा संबासिवा राजू हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ये क्या थे, ये एक पॉलिटिशियन थे, ये क्या थे, ही वॉज अ पॉलिटिशियन. चलिए अब हम लोग आज के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद डेल टेक्नोलॉजीज हैव लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0 फॉर यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब. बात ये कही जा रही है कि अभी अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ, और ये कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने क्या लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का इन्होंने सेकेंड एडिशन जो है इसको लॉन्च किया है, जिसको हम लोग कहते हैं SEP 2.0. ये किसके लिए, बेसिकली जो यंग इनोवेटर्स हैं अटल टिंकरिंग लैब्स के, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया. और इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ SEP इज टू एक्सेलरेट द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऑफ यंग इनोवेटर्स हु कैन प्ले अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू इनोवेटिव इंडिया. और बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये SEP का, इस स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का यही है, जिससे कि एक्सेलरेट किया जा सके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को, जो भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए इनकी यंग इनोवेटर्स की जर्नी है, उसको और ज़्यादा तेज़ी से आगे ले जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके, तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि ये लोग मेजर रोल प्ले कर सके न्यू इनोवेटिव इंडिया को बनाने में, ये लोग एक मेजर रोल प्ले कर सके. इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ, जिससे कि लोग लॉन्च कर सके सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SEP 2.0. अ माइक्रोवेव डिवाइस नेम्ड अतुल्य दैट कैन डिसइंफेक्ट एनी प्रेमाइसेस इन जस्ट 30 सेकंड्स डिसइंटीग्रेटिंग COVID-19 वायरस वाज अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर नितिन गडकरी इन नागपुर. इट वॉज सर्टिफाइड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ड ऑन फ्रेंच एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड. द डिवाइस इज 100% मेड इन इंडिया एंड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड अंडर द एजिस ऑफ MSME. बात ये कही जा रही है, अभी माइक्रोवेव डिवाइस थी जिसका नाम था अतुल्य, उसको बनाया गया था, जिसके थ्रू बेसिकली इस डिवाइस के थ्रू 30 सेकंड के कम टाइम में ही ये डिसइंफेक्ट कर सकती है जो भी प्रीमाइसेस है उनको. और इसके लिए जो है बात ये कही जा रही है कि इसको अनवील किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर और MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने नागपुर में. और ये जो है सर, ये जो अतुल्य डिवाइस है इसको सर्टिफाई किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और ये बेस्ड है फ्रेंच एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे. एंड द डिवाइस इज 100% मेड इन इंडिया, और ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई डिवाइस है और
कंपनीज को मैन्युफैक्चर किया गया अंडर द एजिस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। बात यह की जा रही है कि एमएसएमई मिनिस्टर की बात करें या रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर की बात करें, नाम है नितिन गडकरी और इनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। मुंबई दादर हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव विमेन सिंबल्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड सिग्नेज। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC हैज़ इंस्टॉल्ड ट्रैफिक सिग्नल दैट कैन डिस्प्ले फीमेल आइकन्स स्पोर्टिंग ट्रायंगुलर फ्रॉक, अ शिफ्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन। बात ये कही जा रही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें डिफ़ॉल्ट रिप्रेजेंटेशन होता है मैन का, तो अब ये क्या कर रहे हैं, मुंबई का दादर पहली सिटी हो गया है, भारत की ऐसी एक पहली सिटी हो गई है जिसने अब कहा है कि भाई जो इन सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इस पे जो सिंबल्स आएंगे तो अब वो विमेन सिंबल्स रहेंगे। और ये BMC का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंस्टॉल किए हैं ट्रैफिक सिग्नल्स जो डिस्प्ले करेगा फीमेल आइकन्स को, जिसमें वो स्पॉटिंग ट्रायंगुलर फ्रॉक पैटर्न में जैसे कि हम जानते हैं बने रहती है इमेज। और ये जो है अब ये करने वाला मुंबई का दादर भारत की पहली सिटी हो गया है। द सेंटर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी टू कंसीडर द लॉजिस्टिक्स एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन। दिस कमिटी टाइटल्ड नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर वी के पॉल, हु इज़ मेंबर हेल्थ एट नीति आयोग। बात यह कही जा रही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया जिससे कि कंसिडर किया जा सके लॉजिस्टिक्स को या एथिकल एस्पेक्ट्स को ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो ये COVID-19 के वैक्सीन पर जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, तो अब इसके प्रोक्योरमेंट के लिए इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंटर ने एक कमिटी बनाई है और इस कमिटी को का नाम रहेगा नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर काम करेगी कमेटी, तो ये इसके चेयरमैन रहेंगे डॉक्टर VK पॉल, जो कि क्या है ये एक हेल्थ मेंबर हैं एट द नीति आयोग के, ये एक एज मेंबर ऑफ हेल्थ वर्क करते हैं, नाम है डॉक्टर VK पॉल। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी लॉन्च्ड YSR चेयूथा स्कीम विच गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड लाइवलीहुड टू पुअर वुमेन ऑफ SC, ST, OBC एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन द एज ग्रुप ऑफ 45 टू 60 ईयर्स। अंडर दिस स्कीम एटलीस्ट 23 लाख वुमेन विल बेनिफिट एंड ईच पर्सन विल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹18,750 पर एनम एग्रीगेटेड टू ₹75,000 इन 4 ईयर्स। बात यह की जा रही है कि अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है YSR चेयूथा स्कीम, नाम है YSR चेयूथा स्कीम। और इस स्कीम के अंदर का मतलब इस स्कीम में क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और किसको, पुअर वुमेन हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या OBC के या कोई दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की जो भी वुमेन हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाएगा जो भी पुअर वुमेन है ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 45 से 60 ईयर्स तक जो वुमेन है इनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। और इस स्कीम के अंतर्गत कम से कम 23 लाख वुमेन को बेनिफिट मिलेगा और ईच पर्सन विल गेट और ईच पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा ₹18,750 पर एनम अगर हमारे लोग एग्रीगेट करते हैं तो ₹75,000 इन 4 ईयर्स। इंपॉर्टेंट बनता है स्कीम का नाम और कौन सी स्टेट ये स्कीम लॉन्च कर रही है, तो स्कीम का नाम है चेयूथा स्कीम और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। बिश्वभूषण हरिचंदन ये है राज्यपाल आंध्र प्रदेश के। अच्छा, जगन्नाथ चौदुड़ू स्कीम भी कहाँ की है, यहीं की है। जगन्नाथ चौदुड़ू स्कीम कहाँ की है, यहीं की है, आंध्र प्रदेश की है। वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गोपाल कृष्ण मेनन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 93। गोपाल कृष्ण मेनन का हाल ही में जो है निधन हो गया और ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और ये इनका हाल ही में निधन हो गया, ये 93 वर्ष के थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध टर्मरिक लैटे मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फीट। ऑन दिस ओकेशन चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ऑल्सो डिसबर्स्ड इंसेंटिव टू द मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ मंडी शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। नाम से ही पता चल रहा है डेयरी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम है। बात यह कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया है न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग लॉन्च किया है, नाम है हिम हल्दी दूध टर्मरिक लैटे और ये
मैन्युफैक्चरिंग इसकी की है मिल्क फेड ने और इस ओकेजन पे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने डिसबर्स किया है, मतलब इंसेंटिव देने की बात कही है मिल्क प्रोड्यूसर्स को। मंडी, शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मिल्क प्रोड्यूसर्स को इन्होंने इंसेंटिव देने की बात कही है इस नेशनल प्रोग्राम पे जो डेयरी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट इतना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, इसका नाम क्या है जो ये प्रोग्राम है, इसका नाम है हिम हल्दी दूध टर्मिनल लैचे। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन SBM Academy in New Delhi as part of the ongoing week-long behavior change campaign Gandagi Mukt Bharat. He launched SBM Academy by dialing the designated IVR toll-free number. बात ये कह जा रही है, जल शक्ति मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन SBM Academy को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ये पार्ट है जो, जैसे कि हम जानते हैं, वीक लॉन्ग कैंपेन चल रही है जिसका नाम है गंदगी मुक्त भारत। कल मैंने डिस्कस किया था, नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत कैंपेन को जो है लॉन्च किया था, और ये 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ये कैंपेन चलने की बात कही थी। और इसमें जो है, और इन्होंने ये जो है लॉन्च किया, ये इसी के चलते अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन SBM Academy न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात ना, जल शक्ति मंत्रालय संभाल रहे हैं और जोधपुर राजस्थान इनका निर्वाचन क्षेत्र है। कांग्रेस लीडर एंड पार्टीज नेशनल स्पोक्सपर्सन रवि त्यागी हैज पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ही वॉज 53। कांग्रेस लीडर या और नेशनल कांग्रेस के पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी हैं, नाम है रवि त्यागी, इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया और ये 53 ईयर्स के थे। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड एन इन्फॉर्मेटिव रिपोजिटरी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। बात यह कही जा रही है कि निर्मला सीतारमन जी ने अभी इनॉग्रेट किया है इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी इन द फॉर्म ऑफ, इन्होंने ऑनलाइन डैशबोर्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी को इनॉग्रेट किया है, जो ये किनके लिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आइडेंटिफाइड अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, और इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। और ये डैशबोर्ड होस्टेड ऑन द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड IIG वेबसाइट, और ये जो डैशबोर्ड है ये कहाँ पे होस्ट होगा, इनकी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की वेबसाइट है www.indiainvestmentgrid.gov.in, इस पे ये होस्ट होगा डैशबोर्ड। एंड इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन न्यू इंडिया टू ऑल स्टेक होल्डर्स। और ये क्या करेगा, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, जो जानकारी प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इस नए भारत में, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, ये है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रही हैं, राज्यसभा MP हैं ये कर्नाटका से। मुकेश अंबानी द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज सरपास्ड द रिचेस्ट मैन इन यूरोप बर्नार्ड अर्नॉल्ट टू बिकम द फोर्थ वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, ये दुनिया के चौथे सबसे ज़्यादा अमीर जो है व्यक्ति हो बन चुके हैं, और इन्होंने सरपास करा है यूरोप के सबसे अमीर पर्सन को जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। और ये जो है, ये किसके हिसाब से, किस इंडेक्स ने के हिसाब से ये इनकी रैंक रही मुकेश अंबानी जी के, तो ये इंडेक्स है एज पर द ब्लूमरैंग बिलानियर्स इंडेक्स के हिसाब से ये रैंक इन्होंने जारी की है। और अंबानी प्रेजेंटली हैज नेटवर्थ ऑफ $80.6 billion आफ्टर एडिंग $22 billion ओवर द पास्ट ईयर। तो अब इनकी नेटवर्थ है $80.6 billion और ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं, और इन्होंने सरपास किया है यूरोप के सबसे अमीर आदमी को जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इंडिया के एन अनंत पद्मनाभन हैज बीन इंक्लूडेड इन ICC's इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर फॉलोइंग कंपैट्रियट नितिन मेनन्स प्रमोशन टू एलाइट पैनल। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था, नितिन मेनन ये यंगेस्ट जो है एम्पायर रहे हैं जिनको इस एलाइट पैनल में इंक्लूड किया गया है, और अब इंडिया के KN अनंत पद्मनाभन को भी इंक्लूड किया गया ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स में।
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज अनाउंस्ड दैट अ कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड स्पुतनिक वी डेवलप्ड इन द कंट्री हैज बीन रजिस्टर्ड फॉर यूज। बात यह कही जा रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, इसको डेवलप किया है रशिया ने, इसको डेवलप किया और ये रजिस्टर किया जाएगा, इसको अब रजिस्टर्ड हो चुका है फॉर यूज। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज गिवन रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर व्हाट इट क्लेम्स इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय मॉस्कोज गमेलिया इंस्टीट्यूट। बात यह कही जा रही है कि इसमें जो रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इन्होंने अपनी रेगुलेटरी अप्रूवल दी है और इन्होंने क्लेम किया है कि यह दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रहेगी जो डेवलप किया है मॉस्को के गमेलिया इंस्टीट्यूट ने, इसको डेवलप किया। और रशिया पहली एक कंट्री है टू रजिस्टर अ कोरोना वायरस वैक्सीन, और रशिया दुनिया की पहली कंट्री है जो रजिस्टर कर रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को। द गोवा गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC फॉर सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड एडवांस्ड स्किल्स ट्रेनिंग अंडर स्किल इंडिया मिशन। गोवा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, NSDC के साथ, जिससे कि ये लोग एक सेटअप करेंगे इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करेगा स्किल ट्रेनिंग स्किल इंडिया मिशन के तहत। Eminent economist Ishwar Judge Ahluwalia has stepped down as chairman of think tank Indian Council for Research on International Economic Relations IER due to declining health। मतलब कि गिरती हुई सेहत के चलते Ishwar Judge Ahluwalia ने अपनी जो पोस्ट थे स्टेप डाउन कर दिया है एज अ चेयरमैन। ये क्या थे, चेयरमैन थे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के, और अब इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन किया है अपनी गिरती हेल्थ के चलते, तबीयत खराब होने के चलते इन्होंने स्टेप से अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन किया। अब जो इनकी जगह अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है प्रमोद भसीन, एंड प्रमोद भसीन द करंट वाइस चेयरमैन, जो अभी वाइस चेयरमैन हैं इस बोर्ड के, अब वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IER इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। अब इनको जो है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी कि स्टेप डाउन किया है ईश्वर जज अहलूवालिया ने और इनकी जगह अपॉइंट किया गया इसके चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। थैंक यू।